अस्सलाम नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी अहमद अंजन है और मैं हूँ आपका दोस्त कलीम अहमद, शेफ़ कलीम अहमद। अभी हम आपको मज़े से ये देखें मतंजन बनाना सिखाएंगे, जो इंतहाई मज़े का और अनोखा और जल्दी बनने वाला है। इसका टेस्ट हर एक को पसंद आएगा, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है, कम चीनी वाले और जो आपको नुकसान ना दें। गौर से देखिएगा इसको, ये फ्रूट से फुल है। सबसे पहले जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होनी है वो मैं आपको बता दूँ। ये मैंने चाशनी के लिए भर के रखा हुआ है 1 कप 2 कप चीनी। ये मैंने चीनी के लिए 2 कप इस्तेमाल किए हैं, प्योर बासमती है हमारी। इसको भिगो के मैंने रख दिया 15 मिनट पहले। इसके बाद 3 कल के ये रंग इसमें इस्तेमाल होंगे, ज़रदा रंग है, सुर्ख रंग है और सब्ज़ रंग। उसको मैंने भिगो के लेमन मैंने लिया, उसको थोड़ा सा निचोड़ा 5-5-6-6 कतरे, उसमें आधी आधी चम्मच ये वाली मैंने रंग मिक्स किया। ये इसे फैलेंगे नहीं, एक ही जगह पे रहेंगे, जिस इसको चढ़ना वही रहेंगे। उसके बाद हमारे ये गिरी मेवा, कोकोनट, वो बादाम, इसमें सारे वो आप हमारे कह लें कि मेवा जहाँ थे शामिल, दहाई मजे के आपने कम मकदार में नहीं डाले, कंजूसी नहीं करनी, बीबीओ पे आना सोच लो, नहीं तो आपकी ससें आपको मारेंगी। उसके बाद ये हमारी कैरस है जो डीप की हुई है, बॉयल की हुई है, सिरप में है सुरख कलर की। ये ज़ाफ़रान है, ये सेब है जो अभी आपकी चाशनी में डलेगा, ठीक है नाज़रीन। तो आज शुरू करते हैं, हमने पानी आगे, हमने खुला पानी बॉयल कम से कम ये 6-7 लीटर है पानी, 5-6 लीटर बॉयल करने के लिए रख दिए। इसमें हमने 2 इलायचियाँ डाली है, ये दालचीनी डलेगी थोड़ी सी, और इसमें ऑयल डलेगा थोड़ा सा, 2-3 चम्मच चाके, ताकि चावल चिमटे ना आपस में। ये हमने ऑयल पहले से पका के रखा हुआ है गर्म करके। ये देखिएगा ये हमारा तैयार हो गया, चाशनी हमने तैयार करनी है। हमने 2 कप हमारे चावल हैं और 2 कप हमने चीनी लेनी है, एक पहले डाल दी है पानी डाल के और एक दूसरी। इसमें 1.5 कप पानी डलेगा, वो मैंने थोड़ा रख दिया। इस पे भी नाज़रीन, जी नाज़रीन, ये चाशनी में हमने इलायचियाँ 2 उधर डालनी है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका दर थोड़ा सा इसको पकाएंगे। जैसे एक तार की तैयार हो जी, ये रेडी है हमारी। इसमें मैंने सेब डाला है, बाद में डालूंगा, इसमें लेमन भी निचोड़ूंगा खुशबू के लिए। ये देखिए मैं लेमन निचोड़ रहा हूँ इसमें, खूब खट्टी मीठी ताक है वो। अब ये मैंने सेब भी इसमें डाल लिया चाशनी में। उसके बाद ये सामने आपके माल्टा है, इसको मैं अंदर निचोड़ूंगा इसके, तो इसके पहले मेरे छिलके उतार के मेवा जात में डालने हैं। ये मतंजन की चाशनी है, ये चाशनी हमारी एक तार वाली तकरीबन तैयार होने को है। इंतहाई खुशबूदार माल्टे और सेब का ये देखें तैयार करें, ये रेडी है। 50 ग्राम मक्खन लेना, प्योर मक्खन चाशनी में डालना है, ठीक है। इसके साथ हमारा ऑयल भी डलेगा तकरीबन 1/2 कप, ये हमने तैयार करके रखा हुआ बॉयल करके। ये 2 चम्मच डल गए, ये 1/2 कप हो जाएगा। मक्खन डाला 50 ग्राम, वो इसलिए कि जब ये चावल पक जाएंगे तो यकीन जानिए अलहदा अलहदा होने में, जब वो कुछ भी होंगे तो जुड़ेंगे नहीं आपस में और अलहदा और मज़बूत रहेंगे। इसके बाद हमने लाजमी ये करना है, हमारे ये मेवा जाते हैं सारे, ये देख लें, ये चाशनी में डाल देने हैं हमने।
इसमें गिरी, मेवा, बादाम, माल्टे के छिलके बारीक काटे हुए, इसी स्नान में हमारा पानी उबल गया, बॉयल हो गया। अब हमने ये चावल इसमें डाल देने हैं आराम से, ताकि गर्म पानी ऊपर ना पड़े। जी ना, हमने ये डाला हुआ, अब बॉयल है, इसके ऊपर ढक्कन देंगे, ज़रा ज़्यादा इसको हलाना नहीं है क्योंकि ये टूट जाते हैं। जी ना, ये देखें हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं, ये तकरीबन रेडी हैं तैयार होने के लिए। ये एक कनी इसमें जिसमें कहते हैं कि वो है, ये हमारे पक चुके हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये टूट जाएंगे। अब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। और ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, जिसमें गिरियाँ मेवे वगैरह सब रेडी है। जी नाजरी, अब हमने ये खोल लिया, थोड़ा सा हल्का हल्का पानी भी साथ लाएंगे इसके फिल्टर करने के लिए। अपने आप को बचाते हुए एट्टी परसेंट तैयार है, 20% रहते हैं। एक कणी जिन्हों कही दवा कि वो रही है, वो चाशनी से जाएगी और रेडी हो जाएगी। ये चावल वापस, क्योंकि सारा पानी खुश्क हो चुका था, अपने वापस ऊपर रखने हैं बैर किसी तरदुद के। अब ये चाशनी हमारी रेडी है, अपने ये चावलों में डाल देनी है। और ये नीचे आग जला देनी है। हम नाजी इसको हल्का सा हलाना है, ज्यादा नहीं। इसके ऊपर आप ढक्कन रख देना। ये नाजरी ये देखें, यही एक खासियत है, या आप टिप कह लें कि चावल को कैसे तैयार करना है। ये चाशी इतनी जितनी चावलों ने जज़ब करनी थी वो अपने अंदर जज़ब करती है। अब ये रेडी है, इनको दम लगाने से पहले, रंग देने से पहले एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि करना क्या है। आग को बंद करें, वापस उठाएं, दोबारा इसको फिल्टर करें। ये जितना एक्स्ट्रा ऑयल या जो चीनी थी, जितनी चाहिए थी वो चावल ने ले ली है, ये देखें, ठीक है, वो नीचे चले गए। इसको वापस अंदर, उसके जो इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकल चुकी हैं। ये आप डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं, ये लाइट होगा, ज़्यादा तेज़ नहीं। अगर मैं उसी में वो पानी रखता खुश कर तो चावल जुड़ जाने थे, और इनका आप कह लें कि वो पिच ज़्यादा निकलनी थी और ख़राब हो जाने थे। ये कोई भी नुस्खा आपको नहीं बताएगा। अब हम इस पे कलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अरे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है क्योंकि उसमें हीट है काफ़ी, शीशे का। अब ये देखें मैं कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े, ये दो कतरे इधर, दो इधर। इसी तरह सबज है, ये लेमन का जूस थोड़ा सा निकाला हुआ है। अब इसमें हमने जर्दा रंग थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये नाजरीन, ये रेडी हो गया हमारा। अब सिर्फ हमने ये क्या करना है कि इसको दम देना। दम देने से पहले हमने इसके थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगाना है, ये हमने पहले से पका के रखा हुआ है, ये साथ जोड़ेंगे नहीं, जो ऑयल की कमी है वो भी पूरी जो निकला था। थोड़ा सा दम देने के लिए चलाया, ये चलेगा। ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है, ऊपर सिर्फ हमने दम लगाना है। आयल भी डल गया, कलर भी डल गया, ये रेडी है। बिस्मिल्लाह, ये दम लगा दिया। अब ये थोड़ा सा सुर्ख हुआ है, 2 मिनट मैक्सिमम हम घड़ी से देख के इसको चलने देना, उसके बाद आपने बंद कर देना है, 1 मिनट भी काफ़ी है।
ये मैंने तकरीबन 1.5 मिनट के बाद ये चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसी पर रहेगा, दम आ जाएगा, नीचे भी नहीं आएगा, हल्का सा लगा हो। हमारे घर में औरतें को रोटी खा। जी बहनों और भाइयों, ये हमारा मतंजन तैयार है लिहाज से परफेक्ट। देखें, हर चावल खिला हुआ है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, हर चावल अलहदा अलहदा। ये देखें हमारा इंतहाई खूबसूरत अलहदा अलहदा इसका दाना है, खुशबुओं से भरा हुआ। ये देखें अलहदा अलहदा, कोई जुड़ा भरी, हर चीज़ मुनासिब है इसमें। अब कोई भी चीज़ नहीं कह सकते कि कम या ज़्यादा है। इसका हर दाना अलहदा है, मज़े का आपको नज़र आएगा और खुशबूदार है। हम इसको डेकोरेट करने के लिए सिंपल हमने चार तरफ इसके ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, रस ये लग भी ऐसे रहा है कि जैसे कोई फ्रूट होता है, क्योंकि अंदर इसके हमने इनफोलिंग की थी फिलिंग। ये हमारी ऊपर कैरेट्स है, चेरी जिसको बोलते हैं, ये हमारी आज की एक छोटी सी कोशिश थी। आपको उम्मीद है कि पसंद आएंगे ये मतंजन। ये अलहदा अलहदा दाना है इसका, इंतहाई खूबसूरत है, कलरफुल है। आप जहाँ भी जाएंगे, लेकिन ऐसी रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसको शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। चलें जी, खुदा हाफिज़।